गोनपीपरी की कमला नेहरू पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास में अखिल तड़शिट्टीवार रात करीब 8 बजे नशे की हालत में बालिका छात्रावास में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किया और अश्लील शब्दों से धमकाकर छात्राओं से जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा था। लिहाजा इस घटना से हॉस्टल की लड़कियां सचमुच डरी हुई हैं। शिक्षा क्षेत्र में इस घटना से सनसनी फैली है। कन्या छात्रावास की स्थानीय शिक्षिका लता थीपे द्वारा गोनपीपरी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार गैर आवेदक अखिल तक्सेटीवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि यह बेहद क्रूर और घिनौना मामला है। बिना किसी जांच पड़ताल के पुलिस विभाग ने भी इस गंभीर मामले पर ध्यान नहीं दिया, थाने से ही जमानती मुकदमे दर्ज किए गए। शिक्षिका ने शिकायत में कहा है कि अधीक्षक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर आरोपी ने लड़कियों को जाति सूचक गालियां देते हुए और अश्लील गालियां देते हुए मुझे और लड़कियों को जान से मारने की धमकी भी दी है। आरोपी निखिल 3 छात्रावासों का निदेशक और अधीक्षक है। चर्चा यह भी है कि उसके खिलाफ पूर्व में भी इसी तरह के अपराध दर्ज हो चुके हैं। कमला नेहरू कन्या छात्रावास के चौकीदार संदीप कुलमेथी ने अपनी जिम्मेदारी की उपेक्षा की और यह शराबी छात्रावास में घुस गया। चौकीदार के गैर जिम्मेदाराना हरकत से यहाँ की लड़कियां डरी हुई हैं और सुरक्षित नहीं हैं। वह हमेशा बगल में पान ठेला पर कारोबार करता है। छात्रावास की छात्राओं ने भी चौकीदार को यहाँ से हटाने की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यहाँ खाना बनाने वाली महिला अक्सर गायब रहती है। कमला नेहरू पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास की संचालिका प्रभा चिल्के से घटना के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि घटना क्रूर है और हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और हम शिकायत दर्ज कराएंगे। उसने कहा कि अधीक्षक उसके साथ अंदर आया था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कहीं भी यह नहीं दिखा है कि संबंधित व्यक्ति अधीक्षक के साथ आया था। इस मामले में भी डायरेक्टर द्वारा मामले को रफा दफा करने और अवार्ड ऑफिसर पर केस थोपने की मंशा का सीधा आभास हुआ था। छात्रावास अधीक्षक लता थीपे के मामले के संबंध में उन्होंने कहा कि अनिल तक सट्टेवार रात में शराब पीकर छात्रावास में दाखिल हुए। मैं अपने कमरे में लिख रही थी, तभी लड़कियां चिल्लाती चिल्लाती मेरे पास आईं और कोई शराब पीकर हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। ऐसी जानकारी मिलने पर मैं तुरंत उस जगह पर गई और उसे जाने के लिए कहा, लेकिन उसने गंदे शब्दों में गाली देते देख मैं और लड़कियां डर गईं। हमने इस संदर्भ की सूचना गोनपीपरी पुलिस स्टेशन को दी। इससे इस छात्रावास में भय का माहौल बना दिया है और हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। संबंधित व्यक्ति पर जाति सूचक अपमान करने एवं पॉस्को के तहत मामला दर्ज कराने के संबंध में उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत वह पुलिस अधीक्षक से करेंगे। तो मला 8:30 वाजता फोन आला चौकीदाराचा की आपल्या इथे अखिल भाऊ दारूपूर आतमध्ये आलेला आहे। तो कसं आणार? तर तो बोलला मला की रोमनी आपली वार्डन बाई आणि तो अखिल का इथे एक मांडलेलं होतं ते शिवाजीचं, तिथून हे दोघे चालत चालत तिथपर्यंत आले आणि तेव्हा इथं पिवणच होतं। त्याची तिच्यासोबत वार्डन पण इथे रोमनी असे आले, मग वार्डन मी इकडे आपण देऊन गेली थोड्या वेळाने हा आले मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये। तुम्ही त्याला म्हटलं अरे तू सांभाळला का नाही, मग तू कुठे होता? याला मी सांगितलं होतं की बा पोरींना जेवायला न्यायचं नाही तिथे, तू तिथून भाग घेऊन तो इथं पोरींना चालला असं मी याला सांगितलं। इथेच होता तो, पण भात वाटण्यामध्ये ते सार्वजनिक जे काम होतं ना ते शासनाने दिलेलं होतं ना ते तुमचे हे तयार करायचं काम आणि ते शिवाजी महाराजाचा कार्यक्रम तो दाडकून येतच आहे काही मला माहिती नव्हतं, माणसाकडे कोणी तेवढं काही लक्ष देत नाही। तो बोलला म्हणून मी बोली बा बाहेर बोललो आम्ही, नंतर त्याच्यानंतर मी पटकन चालले आले, मुली असल्यामुळे मी काही थांबू शकले नाही। तर आल्यावर तो पटकन धावत आला आणि मला वाटला का चौकीदार रोज लाक लावते तसं लावल बा, पण त्याने काही लाक लावलं नव्हतं, त्याच्यामुळे तो सरळ पटपट असा डोलत डोलतच आला असे आला। मीच दिसत होते तिकडे मला पोरी म्हणायला लागला बघा तो येत आहे माणूस येत आहे माणूस येत आहे कोणता माणूस मला हा अखिल येताना दिसला। तर मी म्हटलं का हो वसतिगृहाचा तो अध्यक्ष आहे आणि अधीक्षक आहे येईल बा येत असेल मग तो इथं आल्यावर नाही का तो एकदम असा जवळजवळ येत होता पोरींचा। मी म्हटलं की तू थांब बाबा तिकडे येऊ नको तू, आणि मग नाही का तो काही ऐकायला तयार नव्हता। मग त्या पोरींनी गेट दरवाजा लावला तिकडचा ऑफिसमध्ये आला तो दरवाजा लावला तर त्या पोरीला असं। चंद्रपूरचे विकास मोरेवार के साथ सुनील तायडे की एक्सक्लुसिव्ह रिपोर्ट।